नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग 67वीं बीपीएससी जो कि 8 मई को हुआ था और कैंसिल हुआ था, उसमें जो सवाल आए थे मैथ्स के उसको सॉल्व करके देखेंगे और आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ से जो है 8 से 9 नंबर जो है लाना बहुत ही आसान हो जाता है, जो कि आपका सिलेक्शन दिला सकता है। आपके सिलेक्शन एक आध नंबर से छूट रहा होगा तो यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर भी बहुत ही ज़रूरी होता है और यहाँ से 8-9 नंबर इजीली गेन किया जा सकता है थोड़ा सा मेहनत करके। तो पहला सवाल था कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज है। तो वैसे वाला सवाल में क्या करना होता है, जिसे पूछेगा कि विभाज है तो 4, 5, 6 से पूछ रहा था, तो 4, 5, 6 का एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब 60 के मल्टीपल में जितने भी नंबर आएंगे, यानी कि 60 का गुणांक जितने भी नंबर होंगे ना, वो 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो सवाल में पूछा हुआ था कि 200 से 600 के बीच में कितने नंबर है। तो चलिए 200 के बाद 240 आएगा 60 के मल्टीपल में, क्योंकि उससे पहले जो है 180 नंबर आएगा। फिर 240 के बाद 300, फिर 360, फिर 420, फिर 480, फिर 540 और उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 600। लेकिन सवाल में पूछा हुआ था कि 200 और 600 के बीच में, तो 600 को इंक्लूड नहीं करना है, तो कितना नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। सेकेंड क्वेश्चन, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n हमेशा खाली जगह से विभाज होता है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n। तो यहाँ पे जो है n का वैल्यू 1, 2, 3 ये पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 3 की पावर 4n है, n की जगह 1, तो 4 × 1 - 4 की पावर 3n, यानी कि 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 - 4 की पावर 3, और 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81, और -4 की पावर 3 = 64, तो ये आ जाएगा 17। अब n का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो 3 4n यानी कि 4 × 2 - 4 की पावर 3n यानी कि 3 × 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होल पावर 2 - 4 की पावर 3 होल पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², तो ये जो a² - b² होता है, इसका फॉर्मूला होता है a+b (a-b), तो इस वाले फार्मूले पे इसको पुट कर देते हैं। तो ए की जगह क्या है, 3 की पावर 4, और बी की जगह पे 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 4 + 4 की पावर 3 × 3 की पावर 4 - 4 की पावर 3। इस वाले को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 81 और 4 की पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 64। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 70 नहीं आएगा, और यहाँ पे कितना भी नंबर आ जाए तो 70 तो यहाँ पे आ रहा है, तो इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे तो ये 70 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 17 से जो है ये विभाज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 256000 है और संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है संख्याओं का योग जो है 1000 दिया हुआ है, तो लेकिन इसमें जो हम लोग देखते हैं इसका भी योग 1000 है ना, इसको भी जोड़ेंगे तो 1000 ही होगा, फिर इसको भी जोड़ रहे हैं तो 1000 हो रहा है, और इसको भी जोड़ रहे हैं तो 1000 हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे करके किसी ऑप्शन को हम लोग मतलब हटा नहीं सकते हैं। मान लेते हैं कि x और y कोई नंबर है और सवाल में दिया हुआ था कि 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो पहला संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या y मान लिए, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x² - y² = 256000, और ये फिर अगेन ये क्या आ गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो a² - b² क्या होता है, a+b (a-b), और ये जो है 256000 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहला इक्वेशन मान लिए। सवाल में फिर यह भी लिखा हुआ था कि संख्याओं का योग 1000 है, यानी कि x और y दो अलग अलग संख्या हम लोग माने थे,
तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 1000। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए, तो ये जो पहला इक्वेशन है उसमें क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे 1000 पुट कर दीजिए, तो 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इजक्ल टू में 256000, तो ये 30 से ये 30 गया, तो x माइनस वाई इजक्ल टू क्या आ गया 256। इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या था, x प्लस वाई इजक्ल टू 1000, और इक्वेशन 3 क्या आया, x माइनस वाई इजक्ल टू 256। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये y से ये y गया, तो इधर बचेगा 2x, x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1256 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे ये 2 क्या है, x का मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या आएगा 628 आ जाएगा। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया था 628, और 628 तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो y का वैल्यू वहाँ पे मत निकालने लग जाइएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग 32 बेस रूट 2 का मान क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग लॉग से जो फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं। लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग बी सेम बेस भी रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा 1, लॉग एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और लॉग एक्स बट्टे वाई हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और लॉग ए की पावर एक्स रहेगा तो ये एक्स जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो एक्स इंटू लॉग ए। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे और इसी फॉर्मूले से जो है हम लोग फिर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो है ये 32 आता है, तो ये हो गया लॉग 2 की पावर 5 बेस रूट 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 के बदले में रूट 2 इंटू रूट 2 पावर में 5 है, रूट 2 रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पावर में 5 था, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 की पावर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले आगे लेके आ जाएंगे, अभी जो दिखाए थे फॉर्मूला उस हिसाब से, तो 10 इंटू लॉग रूट 2, अब बेस भी रूट 2 हो गया, तो जब बेस सेम होता है तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का हानि होता है, और लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रॉफिट इजक्ल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इजक्ल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा गेन परसेंट क्या होगा, तो गेन अपॉन में सीपी इंटू 100। गेन या फिर लॉस जो है हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर मान लीजिए गेन परसेंट दिया हो और सीपी दिया हो और फिर पूछेगा एसपी क्या होता है, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी, और जब लॉस परसेंट दिया हो और सीपी दिया हो तब एसपी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर मान लीजिए कि एसपी दिया हो और गेन परसेंट दिया हो फिर पूछेगा सीपी निकालने के लिए यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, और जब लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी बराबर क्या होगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके उस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल में दिया हुआ था कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नींबू का पहले निकाल लेते हैं कितना रुपया में बेचा होगा। तो 45 नींबू का दाम है 40 रुपया, तो एक नींबू का दाम 40/45, तो ये क्या हो गया एक नींबू का दाम हो गया जितने में बेचा है, तो ये हमारा एसपी हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। और पहली बार जो था लॉस 20% था, तो हम लोग क्या कर लेते हैं सीपी निकाल लेते हैं। अभी सीपी का फॉर्मूला दिखाए थे कि सीपी बराबर क्या होगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए, और एसपी कितना था एक नींबू का 40/45, तो यहाँ पे 40/45, तो इसको सॉल्व करिए 100 अपॉन में 80 इंटू 40 अपॉन में 45, इस सारे को काटने के बाद आ गया 10 अपॉन में 9, कि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए था,
तो कितना में बेचेगा? तो देखिए यहाँ पे एक नींबू का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और फिर प्रॉफिट दिया हुआ है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस वाला और क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर देने से क्या हो रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था 20, तो 100 प्लस 20 अपॉन में 100 और सीपी अभी निकाले थे 10/9। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक नींबू का जो है सेलिंग प्राइस 12/9 रुपया आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था कि 24 रुपया में कितना नींबू बेचेगा, तो 12/9 रुपया में एक नींबू बेचता है, फिर से वही एक एक नियम लगा देंगे, तो एक रुपये में कितना बेचेगा, इतना बेचेगा, तो 24 रुपये का निकाल लेंगे तो ये आ जाता है 18, यानी कि ये जो है 24 रुपये में 18 नींबू बेचेगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल था, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में वह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा के गति से चल रहा है को पार कर लेगी। ये टाइम एंड स्पीड सवाल पूछा हुआ है, तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए कि ये स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और उसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में और उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही तीन चीज़ का ध्यान रखेंगे और ये हमारा सवाल जो था उसमें अप्लाई करेंगे। तो सवाल में जो है एक ट्रेन दिया हुआ था जिसका लेंथ था 110 मीटर और उसका स्पीड था 58 किलोमीटर पर आवर, फिर एक आदमी था उसी डायरेक्शन में जा रहा था जो कि 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। तो सेम डायरेक्शन में जब जाता है कोई भी चीज़, दो चीज़, तो उसका रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालेंगे तो माइनस करके निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तब क्या करेंगे, जब तब उस टाइम पे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों का स्पीड क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। लेकिन जब डायरेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड आ गया 58-4 यानी कि 54 आ गया। तो देखिए बाकी लेंथ दिया हुआ है ट्रेन का मीटर में और स्पीड है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो बताए थे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 × 5/18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब जो है टाइम कितना लगेगा, देखिए यहाँ पे एक आदमी है और ये ट्रेन है, ठीक है, तो अभी बस पार नहीं किया है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ये आदमी है और ये ट्रेन है, तब ये पार कर लिया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, मतलब जो ट्रेन जितना लेंथ का है उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 110 हो जाएगा क्योंकि ट्रेन का लेंथ ही 110 मीटर दिया हुआ था और स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/3 यानी कि 7/1/3 सेकेंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7/1/3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा बिकर्ण 10 मीटर है, लंबे बिकर्ण की लंबाई क्या है? तो जो समचतुर्भुज होता है उसका बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है और बाइसेक्ट भी करती है, तो ये प्रॉपर्टी होता है ना, जो ध्यान में रखना होता है। और एक प्रॉपर्टी और होता है कि उसके सभी भुजाओं का लेंथ जो है बराबर बराबर होता है, तो सभी का लेंथ 13 क्यों होगा, क्योंकि परिमाप कितना दिया हुआ है सवाल में, 52 दिया हुआ है, तो परिमाप 52 दिया हुआ है, 4 गो साइड है, सभी इक्वल है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो साइड है ये 13 है, वैसे ये भी 13 ही होगा और ये भी 13 ही होगा और ये भी 13 ही होगा। फिर दिया हुआ था छोटा बिकर्ण 10 मीटर का था, तो मान लेते हैं कि ये छोटा बिकर्ण है, तो अभी बताएं कि बिकर्ण जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है, तो लेंथ इतना दूर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और फिर 5 मीटर, और फिर डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करती है, तो सभी एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे,
इस वाले ट्राइंगल को। तो इस वाले ट्राइंगल में ये क्या बन गया, अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही काम यहाँ पे भी किए हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमको परपेंडिकुलर वहाँ पे निकालना था, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, इस दोनों को घटाइएगा तो 144 आएगा। तो OA स्क्वायर का वैल्यू 144 आया, तो OA का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 144 यानी कि 12 मीटर। तो देखिए OA यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, तो इसका वैल्यू आया 12, तो ये भी होगा 12। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना डायगोनल होगा, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 मीटर। अगला सवाल है, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है। तो दौड़ जो था 100 मीटर का था, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर है, और इस पॉइंट से जो है ए दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ए का स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर, तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पीड जो है इसको मीटर पर सेकंड में ला लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 से क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो ए का स्पीड आ गया 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो ए को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 100, स्पीड है 20/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 सेकेंड, यानी कि ए को 45 सेकेंड लगा था। लेकिन क्या था कि जो बी है ये 15 सेकेंड से हार जाता है, तो बी को यानी कि 45 प्लस 15 60 सेकेंड टाइम लगा, तो बी को लगा 60 सेकेंड। और बी के लिए डिस्टेंस कितना है, तो बी को जो है ए जो है 4 मीटर का शुरुआत देता है, तो यानी कि बी यहाँ से दौड़ता है, तो बी यहाँ से लेकर के यहीं तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि बी जो है 96 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखिए समय भी निकल गया बी के लिए और डिस्टेंस भी हो गया, तो स्पीड तो निकल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इसके लिए 96 था और टाइम था 45 प्लस 15 यानी कि 60, 96 अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड। अब जो ऑप्शन था वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, तो मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18 अपॉन 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 144 अपॉन 25, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 5.76 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल दिया हुआ था 2-1/2-1/2-1/2 इस तरह के से एक सीरीज बन रहा था। तो इस पूरा को हम लोग मान लिए x, तो x बराबर ये पूरा मान लिए। अब देखिए क्या होगा कि x बराबर 2-1, तो ये भी तो x ही कहलाएगा, ये भी क्या है 2-1/2-1/2-1/2 इस तरीके से है, तो इसको भी हम लोग क्या मान लिए, x ही मान लिए। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 2-1, और इस पूरे वाले को जो है हम लोग x मान लिए थे, तो क्या हो गया ये 2-1/x। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 और x कैल्शियम लेंगे तो x आएगा, और फिर x को फिर 1 से डिवाइड कीजिए तो x आएगा, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, माइनस x को x से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1। तो ये क्या आ गया, x बराबर 2x-1 अपॉन में x। फिर ये क्या है, नीचे में ये बल x, तो इसको ले जाएंगे इधर, तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, यानी कि x स्क्वायर बराबर 2x-1। अब इन दोनों को उठा करके ले जाइए उधर लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2x प्लस में था तो उधर ले गए तो माइनस में 2x, माइनस 1 है तो प्लस में 1, और इक्वल टू बचा 0। तो अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, और
बेसिकली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आता है, तो दोनों रूट क्या आएगा, वन और वन ही यहाँ पर आया है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वन। तो देख लिए कि जो ये 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका हम लोगों ने अभी 9 सवाल किया है, तो 10 में से 8 और 9 सवाल तो आराम से बना जा सकते हैं। एक आध सवाल हो सकता है कि उस टाइम क्लिक ना करे, लेकिन 8 से 9 सवाल बहुत ही इजी होता है, तो थोड़ा सा एफर्ट डालना है और 8 से 9 नंबर आपका बढ़ सकता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।